इस वीडियो में आप देखने वाले हैं भारत की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी के आने वाली 5 नई कारों के बारे में। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। और हाँ, आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल देवानी मुकेश को, और पास में पड़ा बेल आइकन उसे भी पुश कीजिए ताकि आपको मिलती रहे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन, वो भी सबसे पहले। भारत में आ रही है मारुति सुजुकी की अब तक की सबसे सस्ती कॉम्पैक्ट एसयूवी कार। तो आप सबको बताता चलूं कि भारत की जानी मानी मशहूर कार निर्माता कंपनी अपनी लेटेस्ट और किफ़ायती कार क्रॉसहैकर को भारत में लॉन्च करने का फैसला किया है। कंपनी ने इस कार को हम सभी के लिए फरवरी में जिनेवा मोटर शो में पेश किया था। तो चलो जानते हैं इस कार में हमें क्या फीचर मिलने वाला है और इस कार की कीमत क्या रहने वाली है। सबसे पहले इंजन और पावर की बात करें तो क्रॉसहैकर में आपको मिलने वाला है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बोजेट इंजन जो 6.7 bhp पावर और 198 nm टॉर्क जनरेट करता है। कार में आपको मिलने वाला है 5 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स। इस कार की माइलेज दमदार यानी कि 2.77 की रहने वाली है। क्रॉसहैकर में मिलने वाला है आपको बड़ा सा 8 इंच का टच स्क्रीन डिस्प्ले जो कि एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार को सपोर्ट करता है। दूसरे नंबर पे है मारुति सुजुकी स्विफ्ट का फेसलिफ्ट। मारुति सुजुकी ने हाल ही में स्विफ्ट का फेसलिफ्ट पेश किया है। मारुति सुजुकी स्विफ्ट ने सबसे बड़ा बदलाव इसके इंजन में देखने को मिलेगा। इसमें 1.2 ड्यूस VVT पेट्रोल इंजन होगा जो इंजन कार में मौजूदा 1.2 पेट्रोल इंजन को रिप्लेस करेगा। इस गाड़ी में आने वाला नया इंजन ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा माइलेज देने में सक्षम होगा। बात करें गाड़ी के इंटीरियर की तो अपडेटेड मॉडल में फैब्रिक की नई सीटें मिलने की उम्मीद है। टच स्क्रीन इंफोटेंमेंट सिस्टम मौजूदा मॉडल वाला ही रहने वाला क्योंकि हाल ही में कंपनी ने स्विफ्ट में एक अपडेटेड नया सा सिस्टम दिया हुआ है। क्रूज कंट्रोल और फोल्डिंग एक्सटीरियर मिरर जैसे फीचर्स कार में मौजूद रहेंगे। नंबर 3 पे फ्यूचरो ई जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है। फ्यूचरो ई की डिजाइन कुबे कार की तरह लगती है। गाड़ी के फ्रंट पे दी गई 2 सीटें रियर पैसेंजर की तरफ टर्न हो सकती है। होंडा क्रीटा की तरह दिखने वाले इस फ्यूचरो ई की लॉन्चिंग को लेकर अभी तक फिलहाल कोई भी खुलासा नहीं हुआ है। इस कार की कीमत लगभग 10 लाख रहने वाली है। गाड़ी में आपको मिलेंगे 15 इंच के अलॉय व्हील्स। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकलों की बढ़ती हुई मांग को देखकर भारत की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने भी अपनी कमर कस ली है। 2021 जिनेवा मोटर शो के दरमियान उन्होंने अपनी फ्यूरो ई को पेश करके हम भारतीयों को ये बता दिया था कि आने वाले कुछ समय में हमें उम्दा और बेहतरीन किस्म के इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मिलने वाले हैं जो फास्ट चार्जर और बेहतरीन दमदार बैटरी के साथ आने वाले हैं। नंबर 4 पे है मारुति की अल्टो। देश की सबसे बड़ी कंपनी मारुति सुजुकी ने मारुति अल्टो को अपडेट करते हुए नई जनरेशन मॉडल को लॉन्च करने का फैसला किया है। पिछले कई दशकों से बाजार में शानदार प्रदर्शन करने वाली इस छोटी कार के नए अवतार को कंपनी एसयूवी या क्रॉसओवर के स्टाइल में पेश करेगी। माना जा रहा है कि आने वाली इस नई क्रॉसओवर को एस्प्रेसो के प्लेटफॉर्म पर बनाया जाएगा। इसमें आपको 2 इंजन ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक 800 cc और दूसरा 1 लीटर जो कि 110 bhp का पावर और 150 nm का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम होगा। इसमें आपको विड्थ मिलने वाली है 1600 mm की, लेंथ मिलने वाली है 3600 mm की और इसमें हाइट आपको मिलने वाली है 1540 mm की। नंबर 5 पे है मारुति सुजुकी की सेलेरियो CNG।
मारुति ने सेलेरियो के सीएनजी इंजन को ऑटो एक्सपो में पेश कर दिया। जानकारी के अनुसार इसमें बड़ा सा कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कार में नए हनीक्रोम ग्रिल के साथ नया हेडलैम्प और नए अलॉय मिल दिए जाएंगे। उम्मीद है कि नए सेलेरियो में उमदा किस्म के सेफ्टी फीचर दिए जाएंगे। इस गाड़ी में मिलने वाला 3 सिलेंडर इंजन 58 bhp और 78 nm टॉर्क जनरेट करेगा।